तो वेल गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने काइन मास्टर के अंदर कस्टम फॉन्ट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले अपने काइन मास्टर ओपन करना है। और काइन मास्टर जैसे ही ओपन हो जाता है तो यहाँ से आपको एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है। अब यहाँ हम अपनी किसी भी वीडियो या किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर जब अपना कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो यहाँ हमें उसके फॉन्ट का एक ऑप्शन मिलता है। तो हमें यहाँ से कोई भी एक वीडियो ले लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से इस वीडियो के ऊपर मैं कोई भी टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूं तो फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं माय फर्स्ट व्लॉग। तो जैसे ही मैं यहां पर इस टेक्स्ट को ऐड करता हूं तो यहां आपको डबल ए का आइकॉन दिखाई देता है। तो यहाँ आपको डबल ए का आइकॉन दिखाई देता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिलते हैं जो कि हमारे काइन मास्टर में ही मिल जाते हैं। बट अगर हम और भी ज्यादा फॉन्ट यहाँ चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको एसएस स्टोर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का और भी फॉन्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। बट हम यहां से बैक आते हैं, यहां बात करते हैं कि हम बाहर से जो फॉन्ट डाउनलोड करते हैं उन्हें किस तरह से अपने काइन मास्टर में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो स्टाइलिश फॉन्ट हम बाहर से डाउनलोड करते हैं, चाहे तो गूगल से या किसी भी वेबसाइट वगैरह से, तो उन्हें अपने काइन मास्टर में ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन दिखाई देता है। और प्लस वाले आइकॉन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल में खुलता है। तो यहाँ अगर आपने गूगल से या किसी भी वेबसाइट से अगर स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड किए हुए हैं तो उन्हें आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से अपने काइन मास्टर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे कुछ फॉन्ट हैं जिन्हें मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर मैं अपने फॉन्ट को ऐड करके दिखाता हूँ। अब ये फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया है, अब यहाँ मुझे ओके पर क्लिक करना है। तो मेरा एक फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ से राइट मार्क कर देना है। बट आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो फॉन्ट है मेरे टेक्स्ट के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो ज़्यादातर वीडियोस के अंदर लोग ये तो बता देते हैं कि हमें बाहर से किस तरह से अपने काइन मास्टर में जो फॉन्ट हैं कस्टम फॉन्ट उन्हें ऐड किस तरह से कर सकते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पर जो फॉन्ट हैं वो वर्क नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें बैक आना है और वापस से अपने फिर उसी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो वापस से हम अपने उसी प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं और यहाँ से हमें फिर से अपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। और टेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से हम अपने फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से राइट मार्क कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने काइन मास्टर से थंबनेल वगैरह बनाते हैं या कोई डिज़ाइन ग्राफिक का वर्क करते हैं तो यहाँ आपको स्टाइलिश फॉन्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप बाहर से कस्टम फॉन्ट डाउनलोड करके उन्हें काइन मास्टर में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट को ऐड कर सकता हूँ और हमारा फॉन्ट ईजिली यहाँ से चेंज हो जाता है। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस तरह से अपने काइन मास्टर में कस्टम फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं और
यूज़ भी कर सकते हैं और ये पूरी तरह से वर्क भी करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।